और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान के जो 10 संभाग हैं उनकी क्या सीमा क्षेत्र रहने वाले, कौन कौन से जिले इसमें शामिल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए राजस्थान का मैप और इस तरीके से संभाग बांटे जाएंगे, एक एक शुरू करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखिए जोधपुर संभाग के बारे में बात करते हैं। इसमें पश्चिमी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर 2, फलोदी 3, जैसलमेर 4, बाड़मेर 5, बालोतरा 6, ये 6 जिले शामिल होंगे। चलिए ऊपर बीकानेर संभाग की ओर। बीकानेर जो पहले भी संभाग था, इसमें एक तो चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, एक नया संभाग जुड़ा अनूपगढ़, ये 5 जिले इसमें होंगे, ठीक है। आ जाए जो नवनिर्मित संभाग सीकर है उसका क्या रहने वाला, तो इसमें डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और ये कुल मिला के आपके 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होने वाले हैं। नीचे आ जाइए आपका नया जो संभाग, जो पुराना ही संभाग था अजमेर, ठीक है। अजमेर में अब अजमेर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के आपके 6 जिले शामिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए अगला संभाग जयपुर में, तो जयपुर में इसमें दक्षिणी जयपुर, उत्तरी जयपुर, दू, दौसा, अलवर, कोटपुतली और खेरतल, यानी कि आपके 3, 6 और 7 जिले इसमें शामिल होंगे। तो सबसे बड़ा संभाग ये बनने की संभावना है जिलों की संख्या में, ठीक है। उसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट संभाग भरतपुर। भरतपुर में एक भरतपुर, धौलपुर, डींग नया जिला 3, करौली 4, गंगापुर सिटी 5 नया जिला है जो, सवाईमाधोपुर 6, यानी कि 6 जिले अब भरतपुर संभाग में हो सकते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट संभाग कोटा। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा 4 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट संभाग है उदयपुर। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है कि भीलवाड़ा में वो यहाँ पर अजमेर से ज्यादा जिले आने के कारण अब भीलवाड़ा को उदयपुर में शामिल कर लिया जाएगा। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 4 जिले उदयपुर में हो जाएंगे। नवनिर्मित सलूम्बर जो जिला है वो बांसवाड़ा संभाग में हो सकता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, ये 4 जिलों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है सांचौर। पाली संभाग का मैप, पाली में आपका देखिए जालौर, सिरोही, सांचौर, ये हो सकता है, ठीक है। तो लगभग आपको यही रहेगा, एक आध कुछ जिला में मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लगभग 100% आपका यही है, ठीक है। क्या कुछ हो सकता है आप कमेंट करके और बता सकते हो। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हो कमेंट जरूर करें।